परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड माँ उग्रतारा नेटवर्क। नमस्कार, मैं शीतल विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड। बेहद ग्रामीण पृष्ठभूमि में बचपन बीता, जवानी संघर्ष के दौर में चला और ऐसा भी वक्त आया कि शासन प्रशासन के खिलाफ भी कदम चले। संघर्षों के इस दौर में जेल की यात्रा भी रही, लेकिन तब हाथों में लोकतंत्र की किताब भी आ गई और मन में एक ऐसा दृढ़ वचन भी आया कि अब लोकतंत्र के सहारे चलकर जनता की सेवा करूंगा और जनता के दिलों में अपनी जगह भी बना लूंगा। ऐसे ही एक खास शख्स हैं श्री कामेश्वर बैठा जी। आज हम आपकी मुलाकात श्री कामेश्वर जी से कराएंगे। बेहद दिलचस्प उनकी जीवन यात्रा रही है। कभी जिस शासन के विरोध में खड़े हुए थे, आज लोकतंत्र के मंदिर में वो बैठकर जनता की आवाज़ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्री कामेश्वर बैठा जी। धन्यवाद। पहले अपनी बात को रखने के पहले जी। मैं 2021 का नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आप लोग को बधाई देना चाहूँगा कि पलामू प्रमंडल में गढ़वा जिले के जी। में खास करके जो झारखंड डेली न्यूज जो चला रहे हैं, ये सचमुच आप लोग धन्यवाद की पात्र हैं। इसमें खास करके मैं सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन इम्तियाज खान वगैरह वगैरह जितने भी आप लोग इस टीवी का पदाधिकारी हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबको आपने धन्यवाद दिया, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बातचीत की शुरुआत कर, खास करके मुझे बहुत आज खुशी हो रहा है कि मैं आपका टीवी चैनल पर आज मैं बैठा हुआ हूँ और उसके लिए बैठा हूँ जो परिचय के लिए जी। तो मैं परिचय आपको कहाँ से शुरू करूँ सर? मैं अपने आप में एक सोच रहा हूँ। अभी जब हम घर से निकले तो हमने सोचने लगे कि निश्चित तौर पर आपके जहन में एक सवाल आएगा परिचय का। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारा आम परिवारों को कोई राजनीतिक जिंदगी नहीं रहा जी। जिंदगी अगर राजनीतिक अगर जिंदगी शुरुआत किया हूँ तो मैं अपने परिवार से मैं पहला एक व्यक्ति हूँ, क्योंकि हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो हमारे आम दादा परदादा, पिताजी, भाई, आज भी लोग जो हैं गरीब मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। और मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में हमारे न तो दादा न तो परदादा, न हमारे पिताजी, हमारे न चाचा न भाई, कोई भी परिवार कल लिखने के लिए भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो हमारा गांव एक समानतियों का गांव था। लोग बच्चे जन्म लेते थे तो वही मजदूरी, हर जोतना, बैल चराना, गाय चराना, भाई चराना। मैं वहाँ से आया। मैं किसी प्रकार, हमारे पिताजी छोटा एक कर्मचारी थे, जपला सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करते थे, वहीं हम लोग उनके पास जा करके पढ़े पढ़ाए। मेरा शिक्षा रामा साहू गढ़वा से भी हुआ, मैट्रिक तक मैंने पढ़ा। जब मुझे सोचने का, समझने का, देखने का, परखने का, समाज को जब हमारे अंदर जब ज्ञान हुआ तो हमारे अंदर एक अजब हलचल दिमाग पर शुरू हो गया। वो हलचल क्यों शुरू हुआ सर? हलचल यह था कि दिन भर मेहनत करते थे, शाम के उपासे सोते थे, दिन भर मेहनत करते थे, अच्छा वस्त्र नहीं पहन पाते थे, रात दिन मजदूरी करते थे लोग, लेकिन उनकी बच्चा दवा के बिना मर जाता था। सिर्फ मेरा नहीं, हमारा गांव नहीं बल्कि आम जो गरीब जो लोग हैं बहुत त्रस्त की जिंदगी गुजारते थे। हमारे दिमाग पर एक ऐसी सवाल उमड़ा कि क्या मेरा यह किस्मत में है मेहनत करना और भूखे रहना, मेहनत करना और दवा के बिना मर जाना, मेहनत करना और अच्छा वस्त्र नहीं पहनना, मेहनत करना और अच्छा पैर में तनी जूता नहीं रहना। क्या ही भगवान ने मुझे बनाया है मेहनत मजदूरी करने के लिए? कई सवालें हमारे दिमाग पर उबड़ने लगा। जब 70 के दशक हुआ, 70 के दशक में जेपी चौहत्तर आंदोलन, जेपी मूवमेंट जो शुरू हुआ 74 में,
हम धन्यवाद देना चाहूँगा, आज है जिंदा है हमारे गार्जियन वो जो लाल हेमंत प्रताप देहाती जो वर्तमान विधायक का पिताजी हैं भनौतपुर का, वो हमारे उस समय सोशलिस्ट पार्टी के वो नेता थे और उस 74 के आंदोलन में वो एक बढ़ चढ़ करके जेपी आंदोलन को समर्थन किए थे। हम हमारा उस समय छात्र जीवन था, मैं उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और हमको उस समय ही से शुरुआत एक कदम रखे और रखने के बाद जब हम 74 के 70 के दशक से जब हम घर गए तो विभिन्न तरह की चीजें हमारे दिमाग पर उमड़ने लगा। मुझे एक बात आज भी मुझे याद आता है, जब हम गांव में कुछ करते थे, गांव में जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। सर एक सवाल है, आपने पहले भी इसका जिक्र किया कि आपने देखा कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन भूखे पेट सोते हैं, दवा के बिना बच्चे भी मर रहे हैं। अभी मैं उसी पर आ रहा हूँ कि बहुत अत्याचार होता है। हाँ, तो अत्याचार कौन करता था? तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब हम घर जब लौटने के बाद सारा चीजों को हमने देख करके हमारे दिमाग पर एक अजब हलचल हुआ। पिताजी हमारे बोलते थे कि बेटा हम लोग तो कुछ किए नहीं, तुम लोग को पालने में रख रहे हम, लेकिन ये समाज जो है, ये लोग जो है, ये तुमको जीने नहीं देगा चैन से और तुम किसी का गुलामी मत करना। आज भी मुझे पिताजी का वचन याद है और मैंने तय किया कि जी नहीं, ये भगवान नहीं बनाया है, बल्कि ये जो लोगों को या तो अशिक्षा शिक्षा या यहाँ का जो शांति प्रवृत्ति के प्रभुत्व के जो लोग हैं उनके द्वारा ये सारा चीज सिस्टम शोषण किया जा रहा है। मैं उनके खिलाफ लोगों को गांव में संगठित करना शुरू किया, गांव में लोगों को बोलना शुरू किया कि भाई तुम मजदूरी करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन तुम भी तुम्हारा हालात है, तुम अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ। मैं अपने गांव से ही शुरू किया और शुरू करने के बाद मैंने एक संगठन भी बनाया उस समय, जिसका हुआ एक अध्यक्ष हमारा हुआ करते थे डॉक्टर बशीर अहमद, जो हमारे आज बीच नहीं है, वो सामंतों द्वारा ही उनकी हत्या कर दी गई थी और वो अध्यक्ष हमारा हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में पलामू गरीब मजदूर संघ बना और उस पलामू गरीब मजदूर संघ को बना करके गांव-गांव में संगठन को शुरुआत किया, मजदूरी के सवाल पर, अत्याचार के खिलाफ के सवाल पर, रखेल प्रथा की सवाल पर, सारे चीज़ों पर लोगों ने हमें आंदोलन को शुरुआत किया और शुरुआत करने के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ और यह पलामू में गरीब मजदूर सिंह जो संगठन था वो संगठन फिर हम लोग मजदूर किसान संग्राम समिति संगठन एक बना, उस संगठन के साथ पलामू गरीब मजदूर संगठन को विलय कर दिया गया। मजदूर किसान संग्राम समिति की ओर से विभिन्न तरह की आंदोलन शुरू हुआ, सिर्फ पलामू नहीं, गढ़वा नहीं, बल्कि पूरे झारखंड बिहार, उस समय झारखंड बिहार एक एक हुआ करते थे, मजदूरी के खिलाफ सब लोगों ने जन आंदोलन शुरू किया, जन संघर्ष शुरू किया और उसके बाद उस आंदोलन के खिलाफ यानी जन संगठन जन आंदोलन के खिलाफ यहाँ का समानती लोग चाहे झारखंड बिहार के कई सेनाएं बनाए गए, जाति के नाम पर सेना बना, समानतों ने कई तरह का संगठन से मैंने सेना बनाए कि जन आंदोलन को खत्म करने के लिए, चाहे देखिएगा सनलाइट सेना बना, रणवीर सेना बना, भूमि सेना बना, ब्रह्मती सेना बना, कुंवर सेना बना, सनलाइट सेना बना, वगैरह वगैरह किसान सेवक समाज बना, कई सेना बना, लेकिन जब पलामू में गरीब मजदूर संघ का जो आंदोलन चल रहा था, जन संगठन और जन आंदोलन जब चल रहा था तो एक भी सेना टिका नहीं, बल्कि सारा सेना बिहार में चाहे पलामू में जो भी सेना हो सब धराशायी हो गया और जन आंदोलन जन संघर्ष में आज मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होता है कि जन आंदोलन जन संगठन के संघर्ष में यानी बड़े बड़े समानती हुकूमत उनकी प्रभुत जन आंदोलन जन संगठन के आग में जल गया, बड़े बड़े समानती अलसान जो किले थे वो ढह गया, इनकी जो सेनाएं जात जो था जन आंदोलन जन संगठन
कि सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन वो लाख भी दमन किए लेकिन फिर भी आंदोलन रुका नहीं, बल्कि रात दिन यह आंदोलन था, परवाना पर चढ़ते गया। और इतनी आंदोलन चला, आज मुझे कहने में संकोच नहीं होता है कि जो इनकी उस आंदोलन में लोगों को जान भी गया, बड़े बड़े नरसंहार भी हुए, गरीब लोग भी मारे गए, समानती सेना जो था वो भी मारे गए, लेकिन जन आंदोलन जन संगठन के संघर्ष में मारे जाते थे। चूंकि मैं एक अग्रिम नेता था, मैं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जन आंदोलन जन संगठन का हमने नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन कोई भी घटनाएं घटता तो कामेश्वर बैठा के नाम पर FIR होता, लेकिन मैं कभी भी केस मुकदमा से डरा नहीं और लड़ते गए। अंतोगत्वा मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा और 28 साल तक मैं अंडरग्राउंड रहा। 28 साल तक अंडरग्राउंड रहा। हमारे ऊपर सिर्फ पलामू में नहीं, गढ़वा में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि विभिन्न स्टेटों में हमारे ऊपर केस लगा, बिहार में लगा, उत्तर प्रदेश में लगा, कई जगह केस लगाए गए। जहां भी घटना हो रहा है हर जगह, एक जगह आंदोलन जिस तरह की हनुमान ने जब लंका जला रहे थे तो एक तिलकी एक जगह जलाए थे और पूरी लंका में जल गया था, उसी प्रकार एक जगह कोई आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन का छिटका सिर्फ उस गांव तक नहीं रहता था, उस जगह पर सीमित नहीं रहती थी, बल्कि पूरे राज्य में, पूरे जिले में, गांव-गांव में वह आंदोलन का छिटका पड़ता था। लोग स्वतः आंदोलन शुरू कर देते थे, स्वतः समानता द्वारा जब जब गरीब को जमीन दखल किए थे, चाहे वो सिलिंगेक का जमीन हो, उनकी खतिहानी जमीन हो, उनके लालकाट की जमीन हो, जो जमीन जो था, जमीन पर लोग झंडा गाड़ते थे, जमीन को दखल करते थे, अपना हक समझते थे, और समाज में अपने आप में जो लोगों को प्रतिवाद की जो क्षमता नहीं था। क्योंकि मुझे कहने का यह मतलब है कि गरीब जनता में, निरीह जनता में, लोगों में प्रतिवाद करने की क्षमता नहीं था। उनमें दिमाग पर यह बैठ गया था कि मेरा नसीब में ही यही है, मेरा कर्म में यही है, जुल्म सहना, अत्याचार सहना, लेकिन प्रतिवाद करने की क्षमता उनमें नहीं था। समझते नहीं थे कि हमको भी प्रतिवाद करना है। लोगों ने प्रतिवाद करने की अपने हक समझ गए, जुल्म के खिलाफ लड़ने का लोग अपने आप में हक समझ गए, मेहनत करने लगे, मेहनत का भरपेट मजदूरी लेने के लिए अपने आप में लोग समझ गए, और हर जगह आंदोलन हुआ। शोषण और पीड़ा के खिलाफ आपने लोगों को बोलना सिखा दिया। अंतोगत्वा मैं लड़ते रहा और 2000 मुझे 5 में मुझे अरेस्टिंग हो गई। 5 में अरेस्टिंग होने के बाद मैं जेल गया। मैं आज मुझे कहने में काफी गर्व होता है कि बहुत सारे लोग जेल में हैं, लेकिन कामेश्वर बैठा जैसी जेल में जब 2005 में जब इनकी अरेस्टिंग हुआ 24 जून को, तो उस जून में जब अरेस्टिंग हुआ तो लोगों ने यह नहीं समझा कि कामेश्वर बैठा पर कितना मुकदमा है। कामेश्वर बैठा बहुत बड़ा खुखार आतंकवादी है, क्योंकि मुझे आतंकवादियों के नाम से संज्ञा दिया जा रहा था, नक्सलाइट के नाम से संज्ञा दिया जा रहा था, देशद्रोही का नाम से संज्ञा दिया जा रहा था। लोगों ने बिना परवाह किए हुए हजारों हजार की संख्या में, चाहे मैं जिस जेल में रहा हूं, लोगों को ताता रहता लगा रहता था, जेल प्रशासन अकबका जाता था, जेल प्रशासन मुझे रखने के तैयार नहीं होती थी। हर एक महीने के बाद जेल को शिफ्ट किया जाता था। मैं जहां भी गया, चाहे डालगढ़वा रहा, डालटेंगंज रहा, भपुआ में रहा, रोहतास में रहा, ससाराम में रहा, मिर्जापुर के जेल में रहा, जहां भी जेल में हमने गए, तिहाड़ जेल में, दिल्ली का तिहाड़ जेल में रहा, लोगों ने ताता लगा रहता था। कोई ऐसा दिन नहीं था कि कामेश्वर बैठा का मुलाकात सैकड़ों की संख्या में नहीं होता था, प्रतिदिन। मैं जेल जिंदगी जाने के बाद और जेल में रह करके मैंने अध्ययन करने शुरू किया कि एक तरफ यह आज मैं सरकार लोकतंत्र के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं एक नया लोकतंत्र स्थापित करना चाहता हूं, और वह हथियार है हथियार के बल पर। सत्ता परिवर्तन की हम बात करते हैं, हमने भी संविधान बनाए हैं, तो क्या ये आपकी लोकतंत्र और ये जो लोकतंत्र को सशक्त संघर्ष के द्वारा
हथियार के बल पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है? जिस पार्टी में मैंने था उस पार्टी का नारा था, मैंने उस संविधान को देखा, एक तो संविधान उनकी बना था, वो सेना भी बनाए थे, जनसेना का भी गठन किए थे, लेकिन जब जेल जिंदगी में मैंने जब गया तो जेल जिंदगी में जाने के बाद मैं बाबा साहब का संविधान पढ़ा, जितना भी मुझे कुछ, चूंकि मैं 9 साल का जिंदगी में मैंने अध्ययन में ही जिंदगी को बिताया, अपने किया हुआ करनामे, मुझे करनामे निगेटिव शब्द होता है, लेकिन मैं उस समय अपने आप को करनामे ही सोचा, लेकिन मैं जब देखा कि जी नहीं, एक कामेश्वर बैठा जो आज तक 28 साल जो संघर्ष किया है, मैं ईमानदारी से संघर्ष किया है, मैं किसी एक पक्ष के खिलाफ दूसरे पक्ष को गोलबंद किया है, जो हमारे पक्ष में देश की व्यापक जनता, गरीब निरीह जनता, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई बिरादरी नहीं, सारे लोग संगठित थे, जो जुल्म के शिकार थे वो हमारे साथ थे, जुल्म करने वाले व्यक्ति कुछ मुट्ठी भर लोग थे, 2-4-5 थे। आज मुझे इतनी बड़ी नाम से मुझे संबोधित किया जा रहा है, आज मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, हत्यारा भी कहा जाता था, लोग कामेश्वर बैठा हत्यारा है, मुझे बहुत सदमा जेल में लग रहा था, और मैं यह साबित करने के लिए बोला कि सचमुच मैं साबित हूं, तो मैं जेल से पर्चा दिया, पर्चा मैं 2 तरह का दिया, एक तरफ मैंने जो पर्चा दिया था कि संपोषित सेना में दम कहां है जो जंगे मैदान में कामेश्वर बैठा को गिरफ्तार कर सके, मैं निहत्थे पकड़ा गया था, क्योंकि मैं 28 साल तक लड़ा था, लेकिन मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई थी, सामंतों द्वारा मुझे अरेस्ट नहीं किया गया कर पाया था, लेकिन मैं एक सासाराम का जेल शहर में मैं निहत्थे पकड़ा गया था। उसमें मैंने पर्चा में लिखा था कि मैं अब जेल जा रहा हूं, लेकिन जेल के चारा दीवारी में मैं कैद हो जाऊंगा, लेकिन कामेश्वर बैठा कैद हो रहा है, 28 साल तक जनता के बीच में जो कामेश्वर बैठा आवाज दिया है, लोगों को जो संगठित किया है, लोगों को जो बताया है कि तुम्हारा किस्मत में, तुम्हारा नसीब में नहीं है, बल्कि यहां का सिस्टम का दोष है, इस सिस्टम के खिलाफ तुम लड़ो, तुम भी आदमी हो, तुम भी, तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा जुल्म सहने का सिर्फ हक नहीं है, मैंने बोला था जेल के अंदर से कि कामेश्वर बैठा है आज जेल में कैद है, लेकिन कामेश्वर बैठा की आवाज कैद नहीं है, ये जेल के तीवर तोड़ते हुए फाड़ते हुए दीवार के बाहर जाएगा इनकलाब जिंदा। तो जेल से ही चुनाव लड़ने का फैसला तो हमने ये बात को पर्चा में लिखा था। मैं फिर एक पर्चा दिया था गढ़वा जेल से, कामेश्वर बैठा का जेल से चित्कार, उसमें मैंने पूरी हिस्टोरी, मैंने लोगों से राय मांगा था कि क्या लोकतंत्र में दो रास्ता है, एक बाबा साहब का बना हुआ संविधान, आज की जो संविधान उसमें रह करके प्रतिवाद करना, उसमें रह करके अपनी आवाज को रखना, आज जो लोकतंत्र है उसमें गरीब की आवाज रखने वाला कोई नहीं है, जनता ने मुझे राय दिया और चुनाव में लड़ा, 2007 में इलेक्शन हुआ, उसमें भी मैं इलेक्शन जीत चुका था, मुझे रिजल्ट नहीं दिया गया, 2009 में फिर मैं चुनाव लड़ा, 2009 में मुझे जनता ने इतना वोट मार दिया कि लोग बेमानी करने वाला थक गया कि अब कितना बेमानी करें, अंतिम में मुझे जीत करार दिया गया। जब जेल में 2009 में जो भाई इलेक्शन में जीत गए फाइनल चुनाव, तो जब मुझे दिल्ली में ओथ लेने के लिए भेजा गया,
जेल से परमिशन मिला, सरकार झारखंड गवर्नमेंट परमिशन दिया, हम जेल गए। एक बार गए, ओथ लेके चले आए, दोबारा गए तिहाड़ जेल से, तिहाड़ में मुझे डाल दिया गया। उस समय हमारे साथ अभी झारखंड का मुख्यमंत्री रहे थे मधु कोड़ा जी, वो भी साथ में थे, हम लोग दोनों गए थे। उस समय एक बहस चल रहा था जन लोकपाल पर, उसमें एक बहस चल रहा था, उसमें सरकार के पक्ष कुछ था, विपक्ष पार्टी कुछ रख रहे थे, उसमें काला धन की सवाल पर भी बहस चल रहा था। आज भी आप लोग YouTube खोल कर देखेंगे, उसमें हमारा पार्लियामेंट के जो हमने वॉइस दिया है उसको आप देखेंगे। तो उसमें सरकार की ओर से पेश हो रहा था आंकड़ा कि विदेश में काला धन 66,000,00,000 करोड़ है। विपक्ष उसमें कह रहा था, उसमें मेंबर लोग अपने अपने राय व्यक्त कर रहे थे, कोई कहता था कि 72,000,00,000 करोड़ है, कोई 70,000,00,000 करोड़ कहता था, लोग अपने अपने मंतव्य दे रहे थे। हमने बड़ी गौर से बात को सुन रहे थे, देख रहे थे। जब मेरी बारी आया, चूंकि मैं पिछला बार जेएमएम के सिंबुल से लड़े थे और मुझे समय 5 मिनट के उसमें था, हमारे पार्टी का नियम के मुताबिक मैं हाथ जोड़ करके स्पीकर से विनती किया कि हजूर मुझे कम से कम सर हजूर मुझे 10 मिनट का समय दिया जाए। स्पीकर महोदय 10 मिनट मुझे समय दे दिए बहुत तर्क वितर्क के बाद। जब मेरी बारी आया, उसने अपने बात को रखा, मैंने पूरे हाउस के अंदर कि महोदय आज मैं पहला बार संसद में, जब आए दो बार तो आ चुके हैं, आज मैंने पहला बार मुझे बोलने का मुझे मौका मिला है, पक्ष और विपक्ष की दोनों को बात सुन रहे हैं, विभिन्न मेंबरों की बात सुन रहे हैं, माननीय लालू प्रसाद जी का भी मैंने बात को सुना। महोदय मैं 28 साल तक संघर्ष किया, मैं उनके लिए संघर्ष किया जो 2 जून की रोटी के लिए तड़प रहे थे, मैं उनके लिए संघर्ष किया था जिनकी ये चिंता आज इज्जत आबरू लूटा जा रहा था, मैं उनके लिए संघर्ष किया जो रात दिन मेहनत करते फिर भी उनके बच्चे के दवा खाना कपड़ा शिक्षा नहीं मिल पाता। मैंने समझा था कि गांव में ही भ्रष्टाचार है, गांव में ही लुटेरे लोग हैं, गांव में ही समानती लोग हैं, लेकिन आज सदन में जो आंकड़ा पेश हुआ कि 66,00,000 करोड़ विदेश में काला धन है, विपक्षी ओर से कहा जा रहा है कि 72,000 काला धन विदेशों में है, तो मैंने उसी में कहा था कि बाप रे बाप, नाहक मैं लड़ाई लड़ा गांव में, असलत लुटेरे तो इस सदन में बैठा हुआ है। मैंने इस बोला है, अभी भी यूट्यूब खोलिएगा, ये आवाज को देखिएगा, ये बुलंद आवाज हमारे साथ लगातार बनी हुई है। और कामेश्वर बैठा जी ने अपने जुबान से बताया कि कैसे अपने गांव में उन्होंने देखा कि कैसे गरीब और कमजोर वर्ग के लोग सामंती व्यवस्था के अंतर्गत बर्बाद हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, शोषण और पीड़ा की ये अनथक कहानी जारी थी। और इसी बीच उनके हाथ में बंदूक आई और इन्होंने सामंती व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए विद्रोह का रास्ता अपनाया। 28 वर्षों का संघर्ष, जेल की भी यात्रा रही, और तब दिल में एक ख्याल आया कि नहीं, व्यवस्था को बदलना है तो बंदूक छोड़कर वोट का रास्ता अपनाना होगा। ऐसे ही तमाम दिलचस्प किस्से की अगली कड़ी हम आपके साथ फिर से बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की इजाजत दीजिए। चांद मल्टीमीडिया एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन सेंटर, HD वीडियोग्राफी, स्टील फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम फिल्म एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चार मल्टीमीडिया नियर तिवारी गेस्ट हाउस, राजा मार्केट, फंटा रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 9334978 3 8 9
सामंती शोषण के खिलाफ उठने वाली आवाज अब सीधे भारत की संसद में गूंज रही थी। कामेश्वर बैठा जैसा दमदार शख्स, जिसने लगातार 28 साल तक गरीबों और शोषितों की पीड़ा के लिए अपनी आवाज बुलंद की, अब वो संसद में था, लोकतंत्र के मंदिर में आवाज उठा रहा था। आपके साथ अपनी कहानी स्वयं कामेश्वर बैठा जी साझा कर रहे हैं, तो आइए और इंतजार न कराते हुए आगे की यात्रा में हम जान लेते हैं कि और कौन कौन से पड़ाव और कौन कौन से झंझावात आए। सर, आपकी कहानी को जारी कीजिए उसी बुलंद आवाज में और उसी जज्बे के साथ। जब सदन में जब उठाए बात को कि हम 28 साल तक संघर्ष नाहक किया, असलियत लुटेरे तो इस सदन में बैठे हुए हैं, तो एक तरफ हमारी बात को लेकर के बैंक को थपथपाया जा रहा था और दूसरे तरफ से लोगों में यह कह करके सुर लगाया जा रहा था कि ये गलत बात है, ये इस बात को वापस कराया जाए। मैंने कई तरह के लोग, हमने किसी का परवाह नहीं किया। स्पीकर से ओर से काफी दबाव दिया गया कि यह बात को वापस लिया जाए। मैं जरा सा भी परवाह नहीं किए, बोले कि चाहे मुझे सदस्यता खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं करूंगा। असलियत लुटेरे तो सचमुच सदन में बैठे हुए हैं, काला धन जमा करने वाले लोग। मैंने आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2012 में मुझे हमको जेल से छोड़ा गया। जून में 24 जून को जेल से जब आने के बाद 6 महीना तक जहां भी जा रहे हैं, जनता मुझे होली खेल रही है, रंग अबीर गुलाल पोत रहा है, हर जगह जुलूस, हर जगह प्रदर्शन। मुझे बोल लगा कि हम होली खेलने के लिए, लोगों से गुलाल अबीर लगाने के लिए सांसद बने हैं क्या? घर पर हुजूम लगा रहता था, हजारों की संख्या में लोग रोज प्रतिदिन पहुंचते, आज कहां चलना है? बोला कि हमने सोचा कि जी नहीं, मैं इसके लिए सांसद नहीं बना, बल्कि पलामू की आवाज के लिए सांसद बना। मैं सदन में गया और 12 से 14 तक कितना समय मिला आप लोग जान रहे हैं। मैं 47 बार सदन में भाग लिया, 0 ओवर में भी क्वेश्चन डालते थे, जो भी कानून बिल आता था सदन में हमने उसमें भाग लेते थे, चाहे मुझे 5 मिनट के समय मिले, 10 मिनट के समय मिले, 3 मिनट के समय मिले, क्योंकि एक सीमा है, उसके मुताबिक हम पूरे सदन में बात को रखा 48-49 बार। और मैंने पूरे सरकार को बताना शुरू किया, देश को बताने की शुरू किया कि महोदय मैं वहां से आया हूं, जो पलामू संसदीय क्षेत्र जो है अति पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब गुरबे की क्षेत्र है, जंगल पहाड़ का क्षेत्र है, वहां माओवादियों के नाम से जाना जाता है। आखिर वहां के लोग, चाहे पलामू के लोग हो, झारखंड का लोग हो, छत्तीसगढ़ का हो, दंतेवाड़ा का लोग हो, बंगाल का लोग हो, उड़ीसा के लोग हो, आखिर महोदय आखिर वही नक्सलाइट क्यों है, वही उग्रवादी क्यों है? मैंने सरकार को भी, देश को भी यह ध्यान आकर्षित करने का, खींचने का काम किया है। मैं हमने बताने का कोशिश किया है कि वही पर उग्रवाद है जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर भ्रष्टाचार है, जहां पर अशिक्षा है, जहां पर लोगों को कोई साधन नहीं है, जहां पर लोगों का हक लूटा जाता है, जमीन से बेदखल किया जाता है, वहीं उग्रवाद पनप रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सदन से, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात और सूरत में नक्सलाइट क्यों नहीं है? पलामू के जंगल और बिहड़ों में नक्सलाइट क्यों है?
तो महोदय अगर उग्रवाद को बंदूक से नहीं कुचला जा सकता है बल्कि विकास से कुचला जा सकता है। वहां अगर रोजगार मुहैया कराया जाए, वहां का जुल्म जो रहा उनकी जमीन से भी जो बेदखल किया गया उनकी जमीन दिलवाया जाए, वहां के लोगों को शिक्षा दिया जाए, तो स्वतः ही अपने आप में नक्सल मूवमेंट खत्म हो जाएगा। मैंने 58 बार जब भी मुझे सदन में बोलने का मौका मिला हमने यह बात को लाने का कोशिश करते थे, और मैं जब बोल करके आए जेल से जब निकले तो मैंने हमको मीडिया के लोग हमको घेर लिया, मैंने बोला। उस समय मैं तमाम जो बम लोगों के साथ जो नक्सल मूवमेंट जो सशस्त्र संघर्ष के जो अगुवाई कर रहे हैं मैं उनको एक संदेश दिया कि आज भारत का जो लोकतंत्र है ये राजसत्ता को बंदूक के हथियार पर बल पर इसको नहीं कुचला जा सकता है। सशस्त्र संघर्ष से सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है। आपने संविधान बना लिया, आपने जनसेना बना लिया, लेकिन संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए। जो दिल्ली हुकूमत के खिलाफ चाहे जो भी झंडा, चाहे काला झंडा हो, पीला झंडा हो, उजला झंडा हो, जो भी झंडा हो, जो दिल्ली हुकूमत के खिलाफ जो व्यापक लोग नारुष्ट है, जो पढ़ लिख करके बैठे हैं जिनकी रोजगार नहीं है, ब्लॉक में जाएंगे तो भ्रष्टाचार है, जिनको खाद नहीं मिलता है किसानों को, बीज नहीं मिलता है किसानों को, पानी नहीं मिलता है किसानों को, बिजली नहीं मुहैया होता है किसानों को, तो क्या दिल्ली हुकूमत के खिलाफ उनको खुश है? नहीं। इस जो गांव में जो भ्रष्टाचार है विभिन्न, चाहे फैक्ट्री का मजदूर हो, खेत का मजदूर हो, सारे लोगों को संयुक्त मोर्चा बनाना होगा। और यहां का मांग करता है, आज भारत का परिस्थिति रशिया नहीं है, भारत के परिस्थिति चाइना नहीं है, क्यूबा नहीं है, वियतनाम नहीं है, सर्बिया नहीं है, चिली नहीं है, भारत के परिस्थिति आज बदल चुका है। भारत उस समय जो उस क्रांति जहां हुआ था उस समय कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, एक चिट्ठी पहुंचाने में बरसों लगता था, आज भारत का चिट्ठी वो पहुंचाने में यहां से इतना कम्युनिकेशन है, यहां से दवाएं और पूरे दुनिया में बात होता है। भारत का जो हमारी सेना जो है इतनी मजबूत है, इतने आधुनिकीकरण हो चुका है, इनसे सशस्त्र संघर्ष नहीं होगा। आप भारत को बंद करते हैं, आप चक्का जाम कराते हैं, लोग ने डर से नहीं बस पर चकता है, डर से ट्रेन में नहीं चलता है, क्योंकि आपने उड़ा दिया। आज जो आप कोई भी कॉल देते हैं बंदी को, उसमें जनता आपका नहीं होता है। हाँ, जनता द्वारा कोई अगर बंदी होता है तब समझते हैं कि जनता का है। आप मर रहे हैं, आप रोज मरते हैं, लेकिन कोई आंसू पोंछता नहीं है, गांव में उनकी याद नहीं आता है। मैं जिनके हक के लिए लड़ूं और वो आदमी दुख नहीं व्यक्त करे, तो फिर मुझे लड़ने से फायदा क्या है, जान देने से फायदा क्या? तो आज सशस्त्र संघर्ष की जनता ने नकार रही है। आपने लोकतंत्र की रास्ता से आइए चुनाव प्रणाली में जिस तरह से कामेश्वर बैठा 2005 से लेकर 2009 तक जो अध्ययन किया, अध्ययन में जो निष्कर्ष निकाला कि अगर एक आवाज कामेश्वर बैठा सदन में जो था, अगर इस सदन में चारों कोना पर कामेश्वर बैठा का आवाज अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर ये सदन जो है गरीब गुरबे क्या आवाज से कैद हो जाएगा। आज उस आवाज की जरूरत है, क्योंकि देश का सर्वोच्च जन पंचायत है, उसी जन पंचायत से देश की कानून बनती है और कानून भी बिगड़ता है। जिस तरह से आज देखिए बाबा साहब का संविधान को खारिज करने के लिए उसी कानून का सहारा लिया जा रहा है, उसी सदन महापंचायत का सहारा लिया जा रहा है, उसी महापंचायत में लोगों ने खारिज करने का प्रस्ताव ला रहा है। तो ये बाबा साहब का जो संविधान है यह हमारे हक के लिए है, गरीब गुरबे का हक में ही बना है। आज उस संविधान को मजबूती से, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, इस सारे लोगों के लिए, देश के लिए संविधान है।
बड़े लोगों के लिए भी हक में संविधान है, हमारे गरीब लोगों के लिए हक में संविधान है। आज देखिएगा, बड़े से बड़े लोग बड़े और बनते जा रहा है, गरीब से गरीब लोग अपने अपने आप में ही होते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। तो आज हमको इस सदन में आवाज को रखने की जरूरत है। तो ईश्वर लोगों ने अच्छी नहीं लगा और मेरा उस समय हमारा घर को भी उड़ा दिया था कुछ अपराधी लोगों ने, खैर छोड़िए उसे। तो आज मैं यह कहना चाहता कि आज ही मैं यह संदेश दे रहा हूं लोगों को कि आज जितने भी लोग, देखिए बड़ा हिंसा कामेश्वर बैठा, एक उस समय 2007 में लोकतंत्र स्थापित किया था, फिर रास्ता चुना था। आज बड़ा हिंसा लोग जो है, आज जिस माध्यम से, क्योंकि अब विश्वास होते जा रहा है, लोगों में विश्वास घटते जा रहा है, विश्वास खोते जा रहे हैं और नहीं देख पा रहे हैं रास्ता कि सशक्त संघर्ष से सत्ता का परिवर्तन होगा। जान चल जा रहा है, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आज बड़ा हिंसा लोग सरेंडर कर रहे हैं, कामेश्वर बैठा के रास्ता पर, राह पर लोग आ रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़े लीडर को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश का जो संविधान है, इस संविधान को मजबूती से लागू कराने की जरूरत है। इसी संविधान आज हमारा, चाहे जो भी है, अगर ये संविधान बाबा साहब का खत्म हो जाएगा तो देश में बचेगा क्या? आज जैसे भी हो, व्यक्ति के बल पर संविधान है। एक व्यक्ति आज मुट्ठी में संविधान करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, होने नहीं जा रहा है। तो खैर छोड़िए, हम आपको परिचय में यही बताना चाहता हूं कि आज कामेश्वर बैठा अपने आप में जो काफी अपने आप को गौर महसूस करता है, क्योंकि मैं हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ता, गांव से जो मैंने अपने आप में जो देखा, अगर वहां से आंदोलन को शुरू नहीं करता तो देश के सांसद, बड़े से बड़े दिग्गज, बड़े से बड़े महारथी, देश का सबसे बड़ा जो अपने आप का पूंजीपति बोलिए, लैंडवर बोलिए, जो भी वो सांसद बनता है, देश कामेश्वर बैठा आदमी जो गरीब मजदूर किसान का बेटा आज जो सांसद में जो गया, मैं धन है पलामू की जनता, धन है यहाँ के लोग, माता बहने जो जेल में रह करके कामेश्वर बैठा को सांसद बनाया। हम अपने वंशज को कहना चाहता हूँ, आने वाला पीढ़ी के कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी पीढ़ी जन्म लेगा बन रहेगा, उनके लिए कोई देवी और दुर्गा नहीं है, उनके लिए कोई मालिक माँ काली का पूजा नहीं करना चाहिए, उनको दुर्गा जी को नहीं पूजा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए तो पलामू की जनता को, माँ बहने को पूजा करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश में, मैं आपके बीच में एक ऐसा शख्स बैठा हूँ, जब ग्रीन बुक में जब नाम लिखाएगा, बच्चे के स्कूल में जब आउट नॉलेज में जब पूछा जाएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जेल से सांसद हुआ था, तो लिखना पड़ेगा वो पलामू का कामेश्वर बैठा। जी, बहुत जबरदस्त बातें आपने बताई सर। बैठा को लिखना पड़ेगा। तो मैं जनता को, अपने परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला पीढ़ी के लिए कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए यही पलामू की जनता माँ जो है माँ काली है, यही पलामू की बहने जो है माँ दुर्गा है, यही पलामू की जो पुरुष जो है कृष्ण है, राम है, शंकर है, इसी को मान कर तुम पलामू की जनता को पूजना, क्योंकि यह देश में एक नया इतिहास बना है। अगर कोई दोबारा कोई जेल से सांसद बनेगा तो दूसरे कहलाएगा, पहला नहीं कहेगा, पहला जब भी कहलाएगा तो कामेश्वर बैठा कहलाएगा। तो एक तरफ अपने परिवार को संदेश है मैं ये देना चाहता हूँ, दूसरे तरफ माओइस्टों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, लीडर समय कर जोर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि नहा कब खून नहीं बहावें, हैं लोकतंत्र की रास्ता अपनावें। जिस तरह कामेश्वर बैठा सदन में एक गया था, हर जगह से, हर स्टेट से, हर जिला से आवाज जाना चाहिए उस सदन के अंदर, क्योंकि बाबा साहब का बना हुआ संविधान आज खतरा में पड़ गया है, हैं? यह संविधान जिस दिन खत्म हो जाएगा तो देश अपने उथल पुथल हो जाएगा, न तो कभी चुनाव होगा, न तो कोई चुनाव लड़ेगा, ये एक हिटलर का राज हो जाएगा ये भारत देश में,
तो हिटलर का शासन को खत्म करने के लिए आज माविस्टों को समझा ये लोकतंत्र की रास्ता से अपनाना चाहिए, आना चाहिए। और मैं पलामू की जनता का कहना चाहूँगा, मैं जहाँ भी रहता हूँ, मैं आपके बारे में हमेशा सोचते रहता हूँ। जरूर हम घर पर बैठे हैं, हैं, लेकिन हमेशा हमको याद, मुझे काफ़ी गर्व होता है कि लोग पर आज जो जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो लोग प्रतिवाद करता है, हैं, प्रतिवाद जुल्म का जवाब देता है। आज लोगों ने सहता नहीं है, सर नहीं नवाता है, सर ऊंचा करके चलता है। कोई भी अगर कोई अपमानित करता है तो जवाब देते हैं। आज मैं अपने आप में काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अपने आप में गदगद रहता हूँ। तो मैं यही संदेश लोगों को मैं कहूँगा और आप लोगों को भी अंतिम मैं संदेश देना यही चाहूँगा कि आज मुझे आप लोगों ने जो टीवी चैनल पर मुझे लाया है, ला करके आप लोगों ने हमको अपनी हमारी आवाज़ को आज आप लोग जनता के बीच में जो पहुँचाएंगे, तो सचमुच आज हमारे लिए आप लोग एक गौरव की बात है। और मैं इसके लिए आप लोग को तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बधाई देना चाहता हूं, लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे विद्रोही विद्वान श्री कामेश्वर बैठा जी। उम्मीद है कि आज का एपिसोड देखकर आपके अंदर का भी क्रांतिकारी जाग उठा होगा। और इन्होंने एक बहुत अच्छी अपील माओवादियों से भी की है कि खून बहाकर किसी का कल्याण नहीं हो सकता, तो कामेश्वर बैठा की तरह संसद के मंदिर में खड़े होकर के देश के कमजोर, बेसहारा और शोषितों पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि कानून वहीं से बनता है। तो उम्मीद है कि माओवादी भी काफ़ी कुछ सीखेंगे श्री कामेश्वर बैठा जी के जीवनी से, कैसे शोषण और पीड़ा के बीच में से उठकर एक युवा जो लगातार हाथ में बंदूक लेकर दमन और शोषण का विरोध करता था, एक दिन लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर देश के कल्याण के लिए आवाज़ उठाने लगा। अब बारी आपकी है। ऐसे ही तमाम खास रोल मॉडल को लेकर हम डेली न्यूज पर आपके लिए हमेशा उपस्थित होते रहेंगे। इस वीडियो को खूब देखिए, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम चलते हैं अब अगले शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं शीतल विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड।